बीती सदियों में हमने दुनिया को एक से बढ़कर एक बेहतरीन साइंटिस्ट, बेहतरीन टेक्नीशियंस, टेक्नोलॉजी एंटरप्राइज लीडर्स हमने दिए हैं। लेकिन ये 21वीं सदी है और तेजी से बदलती हुई दुनिया में भारत को अपनी वही प्रभावी भूमिका और उसको निभाने के लिए और अधिक तेजी से हमें खुद को भी बदलना होगा। और इसी सोच के साथ अब देश में इनोवेशन के लिए, रिसर्च के लिए, डिजाइन के लिए, डेवलपमेंट के लिए, एंटरप्राइज के लिए जरूरी इकोसिस्टम तेजी से तैयार किया जा रहा है। अब बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर। 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी को साथ लेकर 21वीं सदी की जरूरतों को पूरा करने वाली एजुकेशन सिस्टम भी उतनी ही जरूरी है। प्रधानमंत्री ई विद्या कार्यक्रम हो या फिर अटल इनोवेशन मिशन, देश में साइंटिफिक टेम्परामेंट बढ़ाने के लिए अनेक क्षेत्रों में स्कॉलरशिप का विस्तार हो या स्पोर्ट्स की दुनिया से जुड़े टैलेंट को मॉडर्न फैसिलिटीज और आर्थिक मदद, रिसर्च को बढ़ावा देने वाली योजनाएं हो या फिर भारत में वर्ल्ड क्लास 20 इंस्टीट्यूट्स ऑफ एमिनेंस के निर्माण का मिशन, ऑनलाइन एजुकेशन के लिए नए संसाधनों का निर्माण हो या फिर स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन जैसे अभियान, प्रयास यही है कि भारत की एजुकेशन और आधुनिक बने, मॉडर्न बने, यहां के टैलेंट को भरपूर अवसर मिले। साथियों, इस कड़ी में कुछ दिन पहले देश की नई एजुकेशन पॉलिसी का ऐलान किया गया है। ये पॉलिसी 21वीं सदी के नौजवानों की सोच, उनकी जरूरतें, उनकी आशाओं, अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को देखते हुए बनाने का व्यापक प्रयास हुआ है। 5 वर्ष तक देश भर में इसके हर बिंदु पर व्यापक डिबेट और डिस्कशन हुए हैं, हर स्तर पर हुए हैं और तब जाकर ये नई नीति बनी है। ये सच्चे अर्थ में पूरे भारत को, भारत के सपनों को, भारत की भावी पीढ़ी की आशा आकांक्षाओं को अपने में समेटे हुए नई भारत की शिक्षा नीति आई है। इसमें हर क्षेत्र, हर राज्य के विद्वानों के विचारों को समाहित किया गया है और इसलिए ये सिर्फ एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट नहीं है बल्कि 130 करोड़ से अधिक भारतीयों की एस्पिरेशंस का रिफ्लेक्शन भी है। साथियों, आप भी अपने आसपास देखते होंगे, आज भी अनेक बच्चों को लगता है कि उनको एक ऐसे विषय के आधार पर जज किया जाता है जिसमें उसका कभी इंटरेस्ट था ही नहीं। मां बाप का, रिश्तेदारों का, दोस्तों का, ओवरऑल एनवायरनमेंट का प्रेशर होता है तो वो दूसरों द्वारा चुने गए सब्जेक्ट्स मजबूरन पढ़ने लगते हैं। इस अप्रोच ने देश को एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी दी जो पढ़ी लिखी तो है लेकिन जो उसने पढ़ा है उसमें से अधिकांश उसके काम नहीं आता। डिग्रियों के अंबार के बाद भी वो अपने आप में एक अधूरापन महसूस करता है, उसके भीतर
जो आत्मविश्वास पैदा होना चाहिए, जो कॉन्फिडेंस आना चाहिए, उसकी कमी वो महसूस करता है। इसका प्रभाव उसकी पूरी लाइफ की जर्नी पर पड़ता है। साथियों, नई एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से इसी अप्रोच को बदलने का प्रयास किया जा रहा है। पहले की कमियों को दूर किया जा रहा है। भारत की शिक्षा व्यवस्था में अब एक सिस्टमेटिक रिफॉर्म, शिक्षा का इंटेंट और कंटेंट दोनों को ट्रांसफॉर्म करने का प्रयास है।